दोस्तों एक बड़े ही मशहूर शायर ने लिखा है कि सितारों के आगे एक और भी जहां है, पर उन जहानों के आगे क्या है, यह आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही बना रह गया है। ये इतना ज्यादा पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर है क्या। क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर भी है या ये अनंत है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर क्या है। इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर भी है या फिर नहीं, इस संबंध में कई विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांत और अनुमान अपने ही आप में इतने जटिल और आश्चर्यजनक है कि एक बार में तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पर इस जटिल सवाल का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ आसान सवालों के उत्तर जानने होंगे, जैसे कि आखिर है क्या यह ब्रह्मांड। हमारे आसपास की चीजें जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां और गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अपरमाणिक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल होकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड ऑब्जर्वल यूनिवर्स के भीतर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवलोकन योग्य ब्रह्मांड क्या है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सुदूर गैलेक्सी से आए प्रकाश के अध्ययन के आधार पर अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक समय सीमा तय की, जिसे उन्होंने अवलोकन ब्रह्मांड योग्य का नाम दिया। इसका व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इतना दूर जहाँ से प्रकाश को भी हम तक पहुँचने में 91.9 वर्ष लग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप यह जान लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लग जाते हैं। इससे आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना ज्यादा बड़ा है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार अवलोकन ब्रह्मांड से भी काफी ज्यादा बड़ा है, और हो सकता यह अनंत भी हो। जब आपसे कोई यह प्रश्न पूछे कि ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। तब आप सोचते होंगे कि क्या है वो छवि और कैसा है हमारा ब्रह्मांड। क्या किसी फर्श पर रखी गेंद की तरह, या फिर कमरे में किसी लटकते हुए गोले की तरह, या इन ज्यामितीय आकारों के अलावा कोई ऐसा आकार हो सकता है? अगर आप इनके अलावा किसी अन्य आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 शेप्स काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला, ब्रह्मांड गेंद या फिर बुलबुले की तरह हो सकता है। दूसरा, एक मुड़ी हुई सीट की तरह, तथा तीसरा, एक फ्लैट सतह के रूप में। इन तीनों आकृतियों में से किसी एक को चुनना अभी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन विज्ञान की आने वाली खोजें हमें यह बता सकती है कि इन तीन मॉडलों में से कौन सा सबसे ज्यादा सही है। अगर देखा जाए तो यह संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई सीट की तरह या फिर एक फ्लैट सतह के ऊपर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, या कोई अंतिम छोर है भी या फिर नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी कि सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सियां किसी एक बुलबुले की सतह पर हो जो फैल रहा है, तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जा रहा है। यही शायद आपके प्रश्न का जवाब भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।